की जो छात्र हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, मतदान अपना कर रहे हैं। अजमेर में छात्रों के अंदर किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अन्य जिलों से जो तस्वीर नजर का निकल कर सामने आ रही है उससे बिल्कुल उलट तस्वीर आपको अजमेर में नजर आएगी। बात अगर लिंगदो कमेटी के जो सिफारिशें हैं उनकी अगर हम कर लेते हैं तो अजमेर एक ऐसा शहर है जहां पर कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का अक्षरश पालन करवाने का प्रयास किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी अजमेर में जुदा हो जाती हैं। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर आमतौर पर जब छात्र चुनाव के दौरान और खासतौर पर मतदान वाले दिन के दौरान हम कवरेज करते थे, छात्रों का हुजूम नजर आता था, लेकिन आज यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल उन्हीं छात्रों को यहां पर प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास में आई कार्ड है। उसी के साथ में एक तरीके से ये जो पूरा इलाका है इसको पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पूरे उस पर नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर हम बात करना चाहेंगे अजमेर की एडिशनल SP सरिता सिंह की, वो लगातार हर कैंपस का दौरा कर रही हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आमजन की सुरक्षा है, जो शांति व्यवस्था है छात्र संघ चुनाव के दौरान, उसको सुनिश्चित किया जाए। मैम, किस तरह के प्रयास MTS सहित तमाम कॉलेज परिसर सभी कॉलेजेस पे सुनिश्चित किया गया है कि लिंगदो कमेटी की जो भी सिफारिशें हैं उनके अनुरूप, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि आमजन को इस वजह से किसी प्रकार की परेशानी न हो। हाँ मैम, जो पुलिस के प्रयास हैं और जिस तरीके से जाप्ता है वो लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा असर हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि जो छात्र हैं, जो मतदाता हैं, वो परिसर तक नहीं पहुंच पा रहे। कॉलेज से बहुत दूर बैरिकेटिंग्स कर दिए गए हैं, वहाँ पुलिस का भारी जाप्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी वोटर्स अपना आई कार्ड दिखा के बिल्कुल प्रवेश पा सकते हैं। ये तो वो लोग फैला रहे हैं जिनको यहाँ पर ज़बरदस्ती उनका कोई वोटिंग नहीं है, बदमाशी करनी है। बाकी जो भी छात्र है जो वोट देना चाहता है आई कार्ड दिखा के बिल्कुल उसको प्रवेश दिया जाए। तो देखिए सुमित, पुलिस के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जो आउटर्स हैं, जो बाहरी छात्र हैं, आमतौर पर वो हुड़दंग करते हुए नजर आते थे, उन पर पूरी तरीके से लगाम लग सके और ऐसे छात्र कॉलेज परिसर या उसके आसपास पहुंचकर नजर आ रहा है वहां पर कि किस तरीके से जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और जिस लिंगदो कमेटी का आपने यहाँ पर जिक्र किया उसका पालन जो है क्या सिर्फ अजमेर में हो रहा है, बाकी जगहों पर भी आखिर किस तरीके की स्थितियां हैं वो भी जरा यहाँ पर जान लेते हैं। आशीष भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं जयपुर से, उनके पास चलेंगे, लेकिन ललित अभी कुछ अपडेट देना चाहते हैं। ललित जी, बिल्कुल, आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले जैसे ही मतदान शुरू हुआ है उसके साथ ही जो कैंपस है उसके अंदर जो छात्र मतदाता हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया। मेरे सहयोगी आशुतोष अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि सभी जगह से पर जो मतदान है वह पूरी तरीके से चल रहा है। यहाँ पर 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसपे 109 बूथों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वह भी चाक चौबंद है, ड्रोन से पूरी यूनिवर्सिटी की निगरानी की जा रही है। और सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र मतदाता हैं अब मतदान देना शुरू कर चुके हैं। 3 बसें यहाँ लगाई गई हैं, इसके साथ ही 10 ई रिक्शा लगाए गए हैं जो छात्रों को विभागों तक, उनके मतदान केंद्रों तक लेके जाएगी और उसके बाद वापस से यूनिवर्सिटी के गेट पर छोड़ी जाएगी। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जो चाक चौबंद, यानी बड़ी अपडेट ये इस वक्त, जो छात्र हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी गेट से अंदर तक जहां पर वोटिंग हो रही है वहां तक भी खास इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, छात्र जो है पहुंच सके। रौनक बीकानेर में आकर जो है शुरुआत क्या हो चुकी है, छात्र पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर सुमित बात की जाए बीकानेर की, डूंगर कॉलेज जो है संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज और यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट आना शुरू हो गए। 3 तस्वीरें अलग अलग मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बैरिकेडिंग कर तमाम स्टूडेंट को रोका गया है ताकि जो पूरा सिस्टम है वो ना गड़बड़ाए। जो प्रशासनिक अमला है उसने यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको संभाल लिए। कहीं ना कहीं जो मुख्य द्वार है उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ID कार्ड है स्टूडेंट्स के वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद एंट्री दी जा रही है। चूंकि अगर बात की जाए जो मतदान केंद्र है वो मुख्य द्वार से काफी अंदर है, यानी जो कॉलेज कैंपस है उसके अंदरूनी हिस्से में, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा है उसको पुख्ता किया गया है। आप देखिए यहाँ पर जो बोर्ड है उस पर चिपकाया गया है कि किस तरह से कौन कौन से स्टूडेंट है जो अपने मतदान को यहाँ पर पूरी तरह से कौन से रूम में जाकर दे सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर स्टूडेंट की सुविधा के लिए लगाई गई है। हालांकि बैरिकेटिंग की गई है काफी पहले कॉलेज परिसर से ताकि जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ ना सके स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं नारेबाजी जो है वो बैरिकेटिंग के उस तरफ जो है वो कुछ देर पहले देखी जा रही थी। जो तमाम स्टूडेंट लीडर थे
वो कहीं ना कहीं अपील कर रहे थे लास्ट मोमेंट तक कि आप वोट दे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि हर बार वोटिंग परसेंटेज में जिस तरीके के इजाफे की उम्मीद होती है वो नजर नहीं आता। इस बार देखना है कि इस तरीके से इजाफा यहाँ पर होता है। जोधपुर में भवानी हमारे साथ है। भवानी, जोधपुर में आखिर किस तरीके छात्र उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, वोटिंग क्या शुरू हो चुकी है? देखिए सुमित, कैंपस की सरकार चुनने के लिए जिस दिन का इंतजार था, जिस समय का इंतजार था, वो समय पूरा हो चुका है और जो कैंपस की सरकार को चुनने के लिए मतदाता मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हम अभी जोधपुर के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में मौजूद है। दिखाना चाहूँगा कि जो छात्र मतदाता है उनमें मतदान को लेकर के जो किस तरह का उत्साह है, लाइनों में खड़े होकर के वो है जो अपने आईडी कार्ड की जाँच करवा रहे हैं और ख़ासतौर से आईडी कार्ड की जाँच करने के बाद में, उनको स्कैन करने के बाद में ही उनको यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो लाइनें लगी हुई है, मतदाता जो छात्र मतदाता है, छात्र मतदाता में जो है मतदान को लेकर रुझान है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लाइनों में खड़े होकर के सुबह जब 7:15 यहाँ पर एंट्री दी गई थी छात्रों को, उसके बाद से ही जो छात्र है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और मतदान के लिए लाइनों में खड़े होकर के अपनी बारी का कतारें जो हैं वो बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं जोधपुर के अंदर अपने मत का प्रयोग करने के लिए और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और खासतौर पर इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। बने रहे हमारे साथ भवानी, वापस आपके पास यहाँ पर लौटते दीपक का रुख कर लेते हैं, जयपुर में मौजूद हैं। दीपक कहाँ मौजूद हैं अभी, आप किस कॉलेज में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और किस तरीके की जो है तमाम स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, छात्र क्या पहुंच रहे हैं? देखिए मतदान शुरू हो चुका है और 8 बज चुके हैं और कॉमर्स कॉलेज की हम तस्वीरें दिखा देते हैं। कॉमर्स कॉलेज पे मतदान की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। 2 स्त्रियाँ यहाँ पर जांच की जा रही है, सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद बार कोड यहाँ पे स्कैनिंग किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये है कॉमर्स कॉलेज की जहाँ पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। कोड स्कैनिंग या बार कोड स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर जो छात्र हैं, जो वोटर्स हैं, उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद की जो तस्वीरें हैं हम दिखाते हैं, क्योंकि राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज की यदि हम बात करें तो राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज कि पांच कैंडिडेट्स तो अध्यक्ष पद पे हैं और राजस्थान में 12 कैंडिडेट्स हैं वो अध्यक्ष पद पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जो वोटर्स हैं वो अपना अपना यहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं कि वोट कास्ट करने के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के साथ ही जो वोटर्स हैं, क्योंकि करीब यहाँ का जो पोलिंग परसेंटेज अब तक जो रहा है 46 के करीब यहाँ रहा है और उसके बाद यानी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की यहाँ पर कवायद है। जो मतदान कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट्स हैं और यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनका पहुँचना शुरू हो चुका है, यानी कि वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। राजस्थान कॉलेज की हम बात करें तो राजस्थान कॉलेज में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यानी कि 12 कैंडिडेट्स हैं वो अध्यक्ष पद पर हैं और कॉमर्स कॉलेज के अंदर 5 जो कैंडिडेट्स हैं वो अध्यक्ष पद पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है और दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर मत का प्रयोग जो है तमाम छात्र अपने यहाँ पर कर सकते हैं। और इस वक्त तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को जहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, चाहे जयपुर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगह पर अलग कैंपस में इस वक्त मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी अब तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। वापस चलेंगे एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके की तैयारियां हैं और तमाम जो छात्र हैं वो किस तरीके से उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले कैंपस की सरकार चुनने के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। जयपुर में हमारे संवाददाता आशुतोष सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ है वहां पर दिखाते हैं आपको। मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आप देखेंगे मेरे पीछे कि पहली बार सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, कोई हुड़दंग की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है, कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसके लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ड्रोन की व्यवस्था की गई है और इसी ड्रोन से ये देखा जाएगा कि कहीं पे हालात इस तरीके के तो नहीं है जहां पे पुलिस के जाप्ते की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो ये विश्वविद्यालय का मुख्य गेट है यहाँ से लेके और अंदर तक त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र अपनाया जा रहा है। बाहर आप देखेंगे कि ACP रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है, SHO यहाँ पे हैं, तकरीबन 4 थाना क्षेत्रों के जो थानाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे, DCP ईस्ट यहाँ मौजूद रहेंगे, एडिशनल DCP ईस्ट हैं वो यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव के दौरान जो आज मतदान है
उसमें किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो, इसको लेके जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं आज यहाँ रहने वाली हैं मतदान के दौरान? सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, हर जगह जाब्ता लगा हुआ है। गेट पे हमें उन्हीं लोगों को एंट्री दे रहे हैं जिनके पास आईडी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी यहाँ पे लगातार यहाँ मौजूदगी देखने को मिल रही है, तो कह सकते हैं कि मतदान के दौरान किसी तरह की कोई कमी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था में कोई गलती ना हो, कोई भी गाड़ी यहाँ अगर आती है तो अगर पास उसके ऊपर लगा रहा है तो उसको जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर पास नहीं है तो बाकायदा उसकी चेकिंग की जा रही है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके चलते कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो जाए। सहयोगी विजय करण के साथ, ललित वर्मा के साथ और संजय के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो ड्रोन कैमरे से भी नजर जो है वो पूरे कैंपस पर रखी जा रही है, जहां पर अगर किसी भी तरीके की व्यवस्था में गड़बड़ी नजर आती है तो उस पर खास तौर पर पैनी नजर जो है वो रखी जा सके। हमारे साथ आशीष भी यहां पर जुड़े हुए हैं जयपुर से। आशीष, महारानी कॉलेज की आपने सुबह तस्वीरें दिखाई, किस तरीके के हालात वहां पर हैं, किस तरीके की व्यवस्था है? अभी जो है वहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पहुंचने शुरू हो चुके होंगे, किस तरीके से मतदान जो आगे बढ़ रहा है? देखिए, वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी जो मतदाता है उनका रुझान अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वोटर्स अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे घर से निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी गई है, जिससे छात्र संघ चुनाव की जो रंग है वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मैं बताना चाहूँगा कि बिना चेकिंग के यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही, अंदर चेकिंग के बाद ही जो है आई कार्ड दिखाने के बाद ही परमिशन दी जा रही है अंदर प्रवेश की। और जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है महारानी कॉलेज में, क्योंकि छात्राओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और पूरी तरह से यहाँ पर त्रिस्तरीय जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, और यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता है उनको भी यहाँ से बार बार हटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि छात्राओं की सुरक्षा से ये पूरा मामला है। इसलिए जो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है वो और कॉलेजों के मुकाबले यहाँ पर अधिक है। इसके साथ साथ जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, और लगातार जो पुलिस के जो जवान है वो गेट के आसपास से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की चूक ना हो इसके खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बड़ा दिन छात्र संघ चुनाव को लेकर और ये मेगा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके के इंतजाम जो है जयपुर में किए गए हमारे तमाम संवाददाता, ना सिर्फ जयपुर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम